असलमकम फ्रेंड फ्रेंड आज जो मैं छोटे मशीन की पैदान सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा ये है जो पैदान की पीछे वाला सेट यहाँ पे फटे को बाहर निकालना है डेढ़ इंच पे ठीक है दोनों सेट यहाँ से भी डेढ़ इंच हाँ ठीक है ये मैं स्क्रू टेंट करके आपको बताऊंगा मशीन छोटे मशीन की पैदान सेटिंग कैसे करने है सबसे अच्छा तरीका बताऊँगा इन ये तो स्क्रू यहाँ पे लगाना ठीक है इनशाला आप कोशिश करोगे तो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैदान किस तरीके से सेटिंग से करना है ये सेट जो मैं ये हैं ये है दूसरी नट जो स्क्रू ठीक है ये जो साइड है मैं ये मिशन की पीछे वाला साइड है दूसरी नट ये टेंट थोड़ा तो से मुश्किल होते हैं नट टेंट में स्क्रू इंशाल्लाह जबरदस्त तरीका बताऊंगा पैदाने की फिटिंग करने का ये मैंने टेंट कर दिया इंशाल्लाह चारों तरफ से चेक करके आपको जबरदस्त तरीका बताऊंगा दिखाऊंगा आखिर में पैदान की सेटिंग ये शुक्र मैंने टेंट कर दिया ये है दूसरी सेट जो पैदान की आगे वाला सेट है ना वो इश करूँ वो टेंट करूँगा इस तरीके से आखिर में यहाँ पे मैं इंच टेप रख के आपको चेक करके दिखाऊंगा दिखाऊँगा इनशाला अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो अच्छे लगे तो यहाँ से जो पैदान है फटा उसको तीन इंच बाहर निकालना ठीक है ये स्क्रू में टेंट करके वो भी आपको बताऊंगा छोटे स्क्रू है इसलिए थोड़ा से मुश्किल होते हैं हो गया ये भी टेंट थोड़ा काम है इसमें यह मुकम्मल हो गया यहाँ से देखे दो इंच मैंने कर दिया जो फाटे फटे का आ, आगे वाला जो साइड है वो दो इंच पे यहाँ पीछे वाला है ठीक है डेढ़ इंच पे दोनों साइड ये ये पीछे वाला साइड है अभी देखे कैसे हो गया ज़बरदस्त पैदान माशाला मशीनों रख के मैं दिखाऊंगा आपको ये मशीन पाकिस्तानी मशीन है छोटी मशीन सिलाई का इसलिए पैदान मैंने बनाया सेटिंग किया फटाको पैदान को सेटिंग करके मशीन रख के आपको दिखाऊंगा इनशाला देखे कैसे मशीन है जबरदस्त माशाला सीपेक सीपे अच्छी मशीन है बिल्कुल जबरदस्त मशीन सी पे का अभी देखे मैं फटा में फिट कर रहा हूँ इसको देखे कैसे हो गया ज़बरदस्त माशाल्लाह सी पैक मशीन अच्छे मशीन है बिल्कुल ज़बरदस्त पैदान देखे कैसे हो गया ज़बरदस्त माशाल्लाह अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में ज़रूर बताना